Let me show you a magic. आपने से बहुत सारे लोग ये पूछ रहे थे कि भाई आपने वाइजर कैसे इंस्टॉल करवाया, राइट? और बहुत सारे क्वेश्चन थे कि कौन सा क्लैंप लगता है, कैसा वाइजर है, कहाँ से खरीदे। भाई आज की वीडियो में आपको सारे आंसर मिलेंगे, क्योंकि हम इसके ऊपर दोबारा से अपना वाइजर इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है? तो आई एम गोइंग टू शो यू स्टेप बाई स्टेप कि कैसे ये वाइजर इंस्टॉल। फाइनली वी आर गोइंग टू इंस्टॉल दिस वाइजर ऑन आवर मीटियोर एंड यह दीपक भाई जो इस वाइजर को इसमें इंस्टॉल करने वाले हैं, ठीक है? अब कैसे ये इंस्टॉल होता है, लेट्स सी। पहले आपको क्या करना है, अगर आपको ये वाइजर इंस्टॉल करना है अपनी बाइक में, तो पहले आपको इस हेडलाइट को खोलना है। अब उसके बाद दीपक भाई बताएंगे कि इसके बाद क्या करना है आपको, ठीक है? अच्छा, ठीक है। हेडलाइट खोलने के बाद आप ये बोल्ट खोलोगे इसको अंदर से, ठीक है? तो ये बोल्ट खोलना है इसके बाद, ठीक है? ये निकल गया आपका, ये पत्ती बोल्ट निकल गया। अच्छा, इसके बीच में हम ये डालेंगे, ओके, ठीक है सर। अब इसमें बीच में एक हमें एडिशन डालना है ताकि ये दबे ना। अच्छा, ये तो ये पत्ती बैंड हो जाएगी तो खराब हो जाएगी। अच्छा, ये हमें एक नट एक्स्ट्रा डालना है। इसके बाद यहाँ पे कस दिया दो आपकी। अच्छा, ये हमने एक अपने क्लैंप को कस दिया है। भैया क्लैंप का साइज क्या होना चाहिए? ये 1.5 इंची है, फिर 1 इंची या 1.5 इंची। अच्छा, तो ये भाई बहुत लोग पूछ रहे थे कि क्लैंप का साइज कितना होना चाहिए, तो ये या तो 1 इंची होना चाहिए या 1.5 इंची होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। साइड का भी हम कस रहे हैं। अच्छा, अभी ये ढीला है, ये भैया बाद में टाइट करेंगे, ये वाइजर को लगा के एडजस्ट करेंगे तो टाइट होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। भैया इसमें आपने कुछ काटा है वो? ये भैया ये नक्के होते हैं, एक्स्ट्रा नक्के होते हैं, हमारे किसी काम के नहीं है, ये वेस्ट है हमारे लिए। अच्छा, इसको हमने हटा दिया यहाँ से, ठीक है? अभी इसके ऊपर का हम वाइजर लगाएंगे। अच्छा, तो इसको ये लॉक हो रहा है, है ना? ये लॉक वाइजर इसमें लगेगा ना, तब लुक देखना बाइक की कितनी तगड़ी एनहेंस हो जाती है। तो अगर आपके पास भी मीटियोर है तो यू कैन गो फॉर दिस ऑप्शन, बिकॉज जो कंपनी से वाइजर आता है वो भी अच्छा होता है, लेकिन भाई इसकी बात ही अलग है। ये हार्ले 750 रॉड का वाइजर है, चेक इट आउट। दोनों क्लैंप लगाने के बाद हमने कर दिया अपनी हेडलाइट को बंद, एंड अब हम वाइजर बिठा के देख रहे हैं कि इसकी फिटिंग ये कहाँ पे आता है, ये कहाँ पे अच्छा फिट बैठता है। आगे भाई उठाना जरा, पीछे उठाने का लगाने ये देखो आप फिटिंग देखो, ठीक है? निशान लगा रहे हैं कि कहाँ पे ये वाइजर का, ये देखो ना किनारे पे, कहाँ पे ये होल करना है वाइजर में, ठीक है? यहाँ पे फिट करने के लिए इसमें होल करना पड़ेंगे। तो हाँ, अब इसको यहाँ पे बैठा के देख रहे हैं, और यहाँ पे फिर इसके बाद एक स्क्रू लगा देंगे और ये सेट हो जाएगा बिल्कुल बढ़िया से। फाइनली इसको क्लैंप के साथ बोल्ट लगा दिए यहाँ पे, और ये यहाँ से यहाँ पे ये टाइट हो रहा है। तो भाई हेडलाइट भी फिट हो गई अब, ओके, अब बस नट लगाने बाकी है और ये वाइजर इंस्टॉल हो गया। फाइनली वाइजर जो है इंस्टॉल हो गया है, और क्या तो लुक आ रहा है भाई बाइक का, बहुत ही ऑसम लग रही है बाइक इस टाइम, ठीक है? और रात हो गया यार सुबह से। सो आई होप इट दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल टू यू ऑल यार। तो अगर वीडियो हेल्पफुल रहा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो चैनल को यार, एंड सपोर्ट करो। ऑलराइट, तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।